डम 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 डमरू बाजी, जिसके तांडव से हर कोई कांपे, चिता भसम से जिसका नित नित हो श्रृंगार, काल भी जिसके आगे हाथ जोड़ खड़ा लाचार, वही है देवों के देव महादेव। नमस्कार दोस्तों, हमारे सभी प्यारे दर्शकों को हर हर महादेव। दोस्तों, महादेव के भक्तों को उन्हें मुसीबत में पुकारना नहीं पड़ता, वे खुद ही चले आते हैं। और इस बात को साबित करती है आज की हमारी महादेव के चमत्कार से जुड़ी एक खास सच्ची घटना, जिसे सुनने के पश्चात आपको अपने कानों पर विश्वास नहीं होगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपका रोम रोम भगवान का नाम लेने लगेगा। दोस्तों, आज की है सच्ची घटना हमसे शेयर की है मुंबई के रहने वाले ओम प्रकाश जी ने। ओम प्रकाश जी अपने परिवार के साथ रहते हैं, उनकी उम्र 25 वर्ष है और आज से 2 साल पहले उनकी शादी हो चुकी है। ओम प्रकाश जी बताते हैं कि वो महादेव भगवान शिव के एक अनन्य भक्त हैं और उन्हें अपना आराध्य देव भी मानते हैं। साथ ही साथ रोज सुबह स्नान करने के बाद वो शिव मंदिर भी जाते हैं जो उनके गाँव के पास था, और उन्हें आराध्य देव मानते हैं। ऐसे में कृपा बनना तो तय था। ओम प्रकाश जी उस मंदिर में विधि विधान से भोले बाबा की पूजा करते थे और ऐसे में सब कुछ अच्छा चल रहा था, उनको दिन रात तरक्की मिल रही थी। ओम प्रकाश जी बताते हैं कि वो अपने दोस्त के साथ साड़ी का व्यापार मुंबई में किया करते थे और देखते ही देखते महादेव की कृपा से ओम प्रकाश को तरक्की मिलने लगी। एक एक करके ओम प्रकाश जी अपनी जरूरतों को पूरा कर रहे थे, लेकिन उनकी तरक्की को जल्द ही नजर लग गई। ओम प्रकाश जी बताते हैं कि बात उस समय की है जब उनकी जिंदगी पूरी तरह से पलट गई और देखते ही देखते वो बर्बादी की कगार पर पहुंच गए। ओम प्रकाश जी को उनके व्यापार के दिन जब अच्छा खासा तरक्की मिल रही थी तो उनके साथी साझेदार ने व्यापार में घपला कर दिया और मन में बड़ा लालच लेकर उसने रातों रात ही मुनाफा और व्यापार के सारे कागजात लेकर मुंबई से फरार हो गया। सुबह जब ओम प्रकाश जी ने बात सुनी तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वे अपने साथ ओम प्रकाश जी का सारा हक लेकर भाग गया था। ओम प्रकाश जी बताते हैं कि उनकी हालत इतनी खराब हो गई कि वो रोड पर आ गए, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ने लगी। ऐसे में स्थिति को सामान्य करने के लिए उन्होंने शराब का सेवन करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उन्हें शराब की लत लग गई और उनके बीवी बच्चे भी उन्हें छोड़कर अपने मायके रहने लगे। उस समय ओम प्रकाश जी ने अपनी जिंदगी में सब कुछ हार गए थे, पैसों की कमी उन्हें बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी। अगले दिन ओम प्रकाश जी को एक कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए बुलाया गया। अगर उनकी वह जॉब लग जाती तो हो सकता था कि उनकी स्थिति पहले से ज्यादा सामान्य हो जाती। ओम प्रकाश जी बताते हैं कि वह बड़ी उम्मीद के साथ महादेव को प्रणाम कर सुबह इंटरव्यू के लिए निकले और रास्ते में उनकी बाइक का टायर पंचर हो गया। स्थितियां बिगड़ने लगी और इंटरव्यू का समय भी समाप्त हो गया और ओम प्रकाश जी ये समझ जाते हैं कि किस्मत ने उनका साथ देना छोड़ दिया है। अब वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले गए थे। वो पास ही के एक वाइन शॉप में जाकर एक शराब की बोतल खरीदते हैं और साथ ही जाकर जुहू बीच पर बैठ जाते हैं और वहां पर शराब पीने लगते हैं। तभी उन्हें अपनी जिंदगी की कमी का एक एहसास होता है कि अपनी परेशानियां किस तरह से वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। ये सोचते सोचते ओम प्रकाश जी बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं और आत्महत्या करने का निश्चय करते हैं। ओम प्रकाश जी शराब की बोतल को वहीं छोड़कर आगे समुद्र की ओर डूबने के लिए बढ़ जाते हैं। ओम प्रकाश जी धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं। उन्हें महसूस होता है कि उनके पांव में कुछ आ रहा है। थोड़ा झुककर वह नीचे देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनके दोनों पैरों पर सांप लिपटे हुए हैं। वे उनकी ओर बढ़ रहे हैं, लगातार उनके पैर पर चढ़ रहे हैं। ओम प्रकाश जी उन्हें छुड़ाने की बहुत कोशिश करते हैं, परंतु उनके पैरों से वह अलग नहीं हो पाते। उनका डूबने जाना और पैरों पर सांपों का लपटना, जी हाँ दोस्तों, ये महादेव का ही चमत्कार था। ओम प्रकाश जी ने कई बार उन सांपों को अपने पैरों से हटाने का प्रयास किया, परंतु वो हटने से मान नहीं रहे थे। तभी ओम प्रकाश जी को एक बात सूझी कि जरूर ये महादेव का ही काम है, वो मुझे ये नहीं करने देना चाहते। ओम प्रकाश जी को सद्बुद्धि आ गई, वो वापस अपने घर की ओर लौट गए और थोड़े दिन ओम प्रकाश जी ने अपने आप पर संयम रखा, शराब का सेवन भी बंद कर दिया। धीरे धीरे उनकी जिंदगी भी पटरी पर आ जाती है और महादेव का चमत्कार फिर से दिखाई देता है। ओम प्रकाश जी को एक कंपनी से इंटरव्यू के लिए कॉल आता है और इस बार ओम प्रकाश जी किसी भी प्रकार का कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते थे और वो बस के माध्यम से जाते हैं और उस इंटरव्यू में उस जॉब में सेलेक्ट हो जाते हैं। उनकी स्थितियां सामान्य से बेहतर होने लगती हैं, उनके बीवी बच्चे भी वापस लौट आते हैं और ओम प्रकाश जी की जिंदगी दोबारा नई ऊंचाइयां छूने लगती है। धीरे धीरे उनको वो सब मिल जाता है जिसकी वो कामना कर रहे थे और ये सिर्फ हुआ महादेव की कृपा से और उन पर अटूट विश्वास से, उनकी अटूट भक्ति की वजह से। ओम प्रकाश जी बताते हैं कि महादेव की कृपा से उनकी डूबती नैया भी किनारे पे लगा दी,
वो भी किसने? स्वयं साक्षात महादेव ने। दोस्तों ये ओम प्रकाश जी की सच्ची घटना साबित होती है और ये साफ तौर पर बताती है कि महादेव के भक्तों को उन्हें पुकारना नहीं होता, वह स्वयं ही अपने भक्तों की मदद करने के लिए आ जाते हैं, वो भी किसी न किसी रूप में। क्योंकि स्वयं महादेव ने ही कहा है, अगर मुझसे बड़ा कोई है तो वो है सिर्फ और सिर्फ मेरा भक्त। तो दोस्तों आपका क्या मानना है, ओम प्रकाश जी को नई राह दिखाने वाले क्या स्वयं महादेव भगवान शिव ही थे? कमेंट बॉक्स में जरूर हमें लिखकर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ एक और कमेंट कीजिएगा, हर हर महादेव।